गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो बेहतरीन प्यार सपोर्ट मिल रहा है और वही हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी का जो है ना बूस्टर, उसका वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है उस चैनल को हमें अपनी बुलंदियों तक, अपने इनको टॉप तक पहुंचाना है और उन सब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो उन सब के लिए तहे दिल से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। तो उसी चीज को आज हम और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बीच बीच में हम क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पुट करोगे, है ना, विद अपना जो भी रियल जो नेम है ना, उस रियल नेम के साथ में आप लोग उसका जवाब दोगे, जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे हो, है ना। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो और जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे हो। चलो, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फिर भी अगर कोई टॉपिक से संबंधित आपको लगे कि सर कोई चीज हमें समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज कमेंट्स करें और फिर उस बिंदु के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर अपन दोबारा से चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को हर एक जो टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ अपन आगे न्यू को स्टार्ट कर रहे हैं और वो है टॉपिक हमारा कवकों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी कवकों को, जो फंगाई जो है उनको कवक तंतु के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है ना। सो कितने भागों में बांटा गया था? चार भागों में, मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। चलो, अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। देखिए, फाइकोमाइसिटीज जो है ना, ये आप इस तरीके से समझ लीजिए, कोई जेली नहीं होती क्या, चिपचिपी से, इस तरीके से मॉइस्ट कह सकते हो, या आप यूं कह सकते हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं जैसे एलोवेरा का जो जेल नहीं होता क्या, एलोवेरा का जेल, उस तरीके की ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, इस तरीके से गुच्छे के रूप में रहते हैं ना, बबल्स लाइक स्ट्रक्चर इनमें इस तरीके से दिखाई देती है। तो क्लियरली तो इनको, जैसे अगर बात करें ना, अपन नॉर्मल हम इनको देख नहीं पाते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हमें नीड रहती है ना। तो इस तरीके से अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके फाइकोमाइसिटीज। और देखिए, फाइकोमाइसिटीज की विशेषता की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो भी सली गली जो सब्जियां होती है ना, पत्ते, टहनियां, इनके ऊपर आराम से उग जाती है, इनके ऊपर। अगर आपने कई बार देखा होगा ना कि पत्तियां जो ना सड़ जाती है, सब्जियां सड़ जाती है, तो वो इन्हीं की वजह से। तो ये वहां पर क्या है कि जो भी नमी हो, सीलन भरा जो भाग हो, वहां पर ये आराम से क्या है, उग जाते हैं। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अविकल्पी होते हैं, अविकल्पी परजीवी के रूप में होते हैं। तो बात आती है कि सर अविकल्पी का मतलब क्या है। देखिए, अविकल्पी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि कोई सड़ी गली सब्जियां वगैरह है ना, पौधे का, टहनियों का जो भाग है मरा हुआ, गला हुआ, वहां पर ही ये उगते हैं, अदरवाइज इनके पास में और कोई ऑप्शंस नहीं होते। तो ऐसे जीवों को कहते हैं फ्रेंड्स अविकल्पी परजीवी। आगे बात करें तो देखिए, इस वर्ग के जो भी कवक है, ये जो कवक जो जाल है ना, थोड़ा सा उसको करेक्शन कर ले फ्रेंड्स, कवक जाल है ना, ये पट रहित होते हैं, ठीक है, तथा पट रहित तथा बहुकेंद्रिक है ना, बहुकेंद्रिक। कैसे, इधर देखिए फ्रेंड्स, इनके अगर कवक तंतु की बात करें तो फ्रेंड्स, इनमें तो सेप्टम तो होता नहीं है, इनकी बीच में जो विभाजन पट्टिका है ना, इसको सेप्टम कहते हैं, वो नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इनमें केंद्रकों की संख्या क्या होती है, बहुकेंद्रिक। केंद्र क्या होते हैं? बहुकेंद्रिक। ये क्या होते हैं भाई? बहुकेंद्रिक। क्या होते हैं फ्रेंड्स? बहुकेंद्रिक, यानी कि मल्टी न्यूक्लियेटेड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लियेटेड ये होते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं भाई? समकोशिकीय कवक जाल। क्या कहते हैं? समकोशिकीय कवक जाल इनको
कहते हैं, समकोशी के कवक जाल कहते हैं। बात करें आगे, अब देखिए, अब इस वर्ग के जो भी कवक है इनमें लैंगिक जनन जो है वो धानी बीजाणु के द्वारा, किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, धानी बीजाणु के द्वारा इनमें होता है और अंतर जातीय रूप से होता है। ध्यान रखना भी, जो धानी जो बीजाणु धानी जो है उनमें अंतर जातीय रूप से, अंतर जातीय रूप से ये लोग, इनके जो बीजाणु है ये उत्पन्न होते हैं, मतलब अंदर लगातार धानी के अंदर ही लगातार ये फैलते जाते हैं है ना, और अपनी पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें जो धानी बीजाणु है इनमें दोनों प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने चर्चा की हुई है कि यदि ऐसा बीजाणु यानी कि स्पोर जिसमें कसाबिका यानी कि फ्लेजिला हो है ना, तो उसको तो क्या कहते हैं, चल बीजाणु, और यदि नहीं हो उसको कहते हैं आपके अचल बीजाणु। क्या कहते हैं? अचल बीजाणु, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि इनके अंदर लैंगिक जनन जो है, इनके अंदर जो लैंगिक यानी कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो दो युग्मक है ना, यानी कि दो जो गैमिट है उनके मिलने से होता है है ना। तो इससे क्या होगा कि युग्माणु जिसके फल स्वरूप है ना, यहां थोड़ा सा सही कर लें, इसके फल स्वरूप इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स, कि जिसके फल स्वरूप जो युग्माणु है ना, यानी कि क्या बनता है युग्मन, जिसको क्या कहते हैं अपने जाइगोट, क्या कहते हैं जाइगोट, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। एक रिपीट कर देता हूं कि इस वर्ग में जो लैंगिक जनन है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो दो गैमिट्स यानी कि दो युग्मकों के मिलने से होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है भाई, जायगोट की तरह ना युग्मनज एक संरचना बनती है। तो युग्माणु जो है एक क्या है, एक समयुग्मकी है ना, तो इनका जो निर्माण है समयुग्मकी के रूप में भी हो सकता है और विषमयुग्मकी के रूप में भी हो सकता है ना। तो जायगोट का जो निर्माण है ना, तो जायगोट जो है ना, ये युग्मनज ये आपकी समान भी हो सकते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। देखिए मैं यहां बता रहा हूं, इधर गौर कीजिए, देखिए यहां रिपीट कर रहा हूं कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन जो है वो आपके क्या होता है कि जो युग्मक है उनके मिलने से होता है, क्लियर। फिर आगे बात करें कि जो युग्मक मिलते हैं उनकी दो कंडीशंस होती है, अभी कितनी कंडीशंस होती है, दो, एक कि यदि युग्मकों का आकार, इनके युग्मकों का आकार ऐसे समान हो, युग्मकों का आकार समान हो है ना, तो इनमें क्या होंगे, दो समान युग्मक भाग लेते हैं तो इनको तो कहते हैं समयुग्मकी, इंग्लिश में कहते हैं आइसोगैमस, इंग्लिश में क्या कहते हैं भी, आइसोगैमस है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं आइसोगैमस यानी कि समयुग्मकी, इनको आप समान युग्मक भी कह सकते हो। कैसे, कि दोनों का आकार, दोनों यानी कि ये नर है, ये मान लीजिए नर है और ये मान लीजिए मादा युग्मक है, दोनों समान आकार के हैं। और यदि दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरे प्रकार में देखिए, मान लीजिए नर जो है वो छोटे आकार का और मादा जो युग्मक है वो बड़े आकार का हो है ना, इनको कहते हैं असमान या विषम युग्मकी, इनको क्या कहते हैं, असमान या विषम युग्मकी, क्या कहते हैं, समान या विषम युग्मकी, इंग्लिश में कहते हैं हिट्रोगैमेट्स या हिट्रोजाइगस भी बोलते हैं है ना, इसको होमो या आइसो भी बोल सकते हो और इसको बोलते हैं आपके हिट्रो, राइट। दोबारा बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, यदि दोनों युग्मक समान आकार के हो, नर तथा मादा युग्मक दोनों आकृति में समान हो है ना, उनको तो बोलते हैं समयुग्मकी, और यदि अलग अलग आकार के हो, एक बड़ा और एक छोटा हो, तो उसको कहते हैं आपके विषमयुग्मकी, क्लियर। तो देखिए इनके अंदर लैंगिक जनन जो है इस तरीके से हो सकता है। और आगे बात करें तो देखिए इनमें क्या होता है कि जो वैज्ञानिक है ना वैज्ञानिक जो है इन्होंने फाइकोमाइसिटिस को एक वर्ग ना मानकर है ना, वर्ग ना मानकर इनको चार अलग अलग वर्ग माना भी है ना, ये थोड़ा स्पेसिफिक थोड़ा पॉइंट है, उसको आप देख लें, इनको क्राइटिडियो, प्लाज्मोडियो, फोरमाइसिटीज,
ओ माई सिटीज और जायको माई सिटीज भी कहते हैं। एक मिनट देखिए, गौर कीजिए कि ये जो ग्रुप है ना, काफी विवाद का विषय रहता था, काफी विवाद का विषय है। कई लोग इसको एक मानते हैं, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि इनके अंदर जो है, जो फाइकोमाइसिटीज है, ये एक ना होकर इनके अंदर चार अलग अलग और ये इसके अंदर ग्रुप है। क्लियर? तो अपने देखिए, अपने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए बेटा यहां तक ही सफिशियंट है। तो ये कुछ सम इंपॉर्टेंट्स है जिनको आप ध्यान में रख सकते हो। और आगे बात करें, ये क्या करते हैं, गोबर पर ये जो है, इस वर्ग की जो ना पाइलोबोलस जो कवक है, ये गोबर पर, गोबर जो है ना, उन गोबर के ऊपर भी ये उग जाती है, ग्रो कर जाती है, गोबर के ऊपर भी ये उग और ग्रो कर जाती है, राइट। इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई, तो जो गोबर पर उगती है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखना कि जो गोबर पर उगे, तो ऐसी कवकों को कहते हैं आपके कोपर फिलस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोपर फिलस, जो गोबर के ऊपर उग जाती है उनको कहते हैं। अब देखिए, इनके द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा, इस ग्रुप की फंगस यानी कि कवक के द्वारा कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न की जाती है। उनमें इंपॉर्टेंट बात करें, पौधों में इंपॉर्टेंट बात करें, बाजरे का हरित बाली रोग है ना, बाजरे का हरित बाली रोग की बात करें तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो कवक है, इस कवक का नाम है, ध्यान रखना है ना। तो इस कवक से बाजरे के अंदर हरित बाली नामक जो रोग है वो हो जाता है। फिर बात करें आलू का पछेती बीमारी रोग। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट रोग है, ध्यान रखना है ना, वो आपके फाइटोक्योरा इन्फेक्टस नामक जो कवक है उनसे होता है। फिर बात करें वर्ट ऑफ पोटेटो, ये आपके सिनकाइडियम एंटीबायोटिकम जो कवक है, इनसे होने वाला ये एक रोग है, एक बीमारी है। तो स्टूडेंट्स, इनको भी अपने को ध्यान में रखना है ना। चलो इसी क्रम में आगे बात करें, इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो फ्रेंड्स वो है आपके म्यूकर है ना। कौन है भाई? बात करें म्यूकर, एग्जांपल्स की बात करें तो म्यूकर, राइजोपस। हाँ, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं ये लोग ये हमारी रोटी को खराब कर देते हैं अभी, है ना भी। जो कुछ रोटी जो होती है ना, वो एक दो दिन रह जाए है ना, सुबह से शाम या कभी एक दो दिन के अंदर उसमें फुफुल आ जाती है, फलून आ जाती है ना, तो ये हमारे खाद्य जो पदार्थ है, विशेष रूप से रोटी और जो ब्रेड है ना, तो उनको ये खराब कर देते हैं। तो राइजोपस जो है, उनको रोटी का कवक भी बोलते हैं अभी। क्या कहते हैं? रोटी का कवक भी कहते हैं। उसके अलावा बात करें एल्बुगो, जो कि सरसों का जो पौधा है, सरसों के पौधे का क्या है? परजीवी है। सरसों के पौधे का क्या है फ्रेंड्स? परजीवी है, ठीक है। अब देखिए, यहां एक कंडीशन थी ना कि इनमें बहुकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है, और बहुकेंद्रीय जो अवस्था है, जिनमें ध्यान रखना इनका जो पट है, वो पट डायल्यूट हो जाता है, घुल जाता है ना, तो उसको, उस कंडीशन को कहते हैं आपके सिनकोइंड्रियम। क्या कहते हैं? सिनकोइंड्रियम जो है वो एक आपके कोशिके कवक का उदाहरण है, ये आपके कोशिके कवक का उदाहरण है, यानी कि जो एकमात्र जो कोशिका है उससे बना हुआ है ना, जो उदाहरण है वो कौन है? सिनकोइंड्रियम। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। तो उनमें से ये एक ऐसा है जो आपके एक कोशिके कवक जो है उनमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां तक रिपीट कर रहा हूं वापस से कि फर्स्ट हम बात कर रहे थे, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था आपके फाइकोमाइसिटीज जो नम गिली जो आर्द्रता वाली सतह है, जगह है, वहां पर ये लोग उग जाते हैं। और ये जो इनके कवक है, कवक जो जाल है, पट रहित होता है। क्या होता है? पट रहित होता है और बहुकेंद्रिक होता है, ध्यान रखना बहुकेंद्रिक होता है। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिमकोशिकीय अवस्था कहते हैं। फिर आगे बात करें इनके अंदर जनन जो है, जनन लैंगिक जनन के द्वारा होता है, और स्पष्ट रूप से इनमें दो अलग अलग युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स यदि कवक जो गैमेट्स जो है फ्लेजिला वाले हो तो उनको चल बीजाणु कहते हैं, और यदि फ्लेजिला नहीं हो तो उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अचल बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल बीजाणु। तो फ्रेंड्स, यहां क्यों ना क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चंस की यहां चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम बात कर रहे हैं
कि ये जो कवक है ना, ये जो कवक है, इस कवक के अंदर बात करें कि चल बीजाणु किसे कहते हैं। चल बीजाणु किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि चल बीजाणु किसे कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो इनके अंदर क्वेश्चन है अगला, गोबर पर उगने वाली कवक का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कवक जो गोबर पर उगे, उस कवक का हमें उदाहरण यानी कि नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, चलो यहां तक हम दो क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे बात करें कि देखिए, इसके द्वारा कई प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, जैसे बाजरे की बात करें तो बाजरे का हरित बाली रोग, आलू में पछेती अंग बाली रोग और वर्ट ऑफ पोटेटो नामक रोग इसमें हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो यहां एक क्वेश्चन और चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की और चर्चा कर लेते हैं कि उदाहरण लिखिए, है ना, बात करें कि फाइकोमाइसिटीज कवकों के दो उदाहरण लिखिए, आपको इसके दो उदाहरण बताने हैं। राइट, रिपीट कर रहा हूं, फाइकोमाइसिटीज जो कवक है उनके दो उदाहरण है ना, एनी टू एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, नया जो ले रहे हैं ग्रुप, वो है आपके एस्कोमाइसिटीज। फ्रेंड्स, नया जो ले रहे हैं उसको कहते हैं आपके एस्कोमाइसिटीज। दूसरा जो है कवक का ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनको सेक फंगाई भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेक फंगाई, यानी कि थैले की तरह इनका जो आकार है फ्रेंड्स वो थैले की तरह होता है, तो इनको और भी क्या कहते हैं, इनको सेक फंगाई या थैले की तरह कवक या फंगाई कहते हैं। राइट, आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे कवक होते हैं जो मृत जीवी, क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये आपके मृत जीवी प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके मृत जीवी प्रकार के होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और समद्रोगी। क्या होते हैं, समद्रोगी, यानी कि जो पशुओं के जो गोबर है, विष्ठा जो है जानवरों की, है ना, वहां पर भी उग जाते हैं। तो जानवर के जो विष होता है ना, वेस्ट मल, वहां पर भी उग जाते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये आपके मृतजीवी, अपघटक, परजीवी या समल रोगी भी होते हैं। अब देखिए, इनका जो कवक जाल है आपके ब्रांच यानी कि साखित और पटयुक्त होता है। क्या होता है, इनका जो कवक जाल है साखित यानी कि ब्रांच होगा और पटबीन में पाए जाते हैं, यानी कि सेप्टम भी इनके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा बात करें, इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, कॉनिडिया के द्वारा। कॉनिडिया की हमने बात की भी है, है ना, जो इनके कॉनिडियोफोर जो है उनके टॉप पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। क्लियर, चलो। और ये जिनके ऊपर निर्माण होता है उनको क्या कहते हैं, कॉनिडियोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनिडियोधर्म कहते हैं। क्लियर, चलो आगे बात करें कि ये होते क्या है, जैसे अभी हमने बात की थी कि ये इस तरीके से कॉनिडियो जो धर है ना, इसके ऊपर ये ऐसी बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनती है, और जब ये नीचे गिर जाते हैं ना, जब इनसे गिर जाते हैं तो यहां अंकुरित होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, नए फंगस का निर्माण ये लोग कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कॉनिडिया के द्वारा ये आगे अपना जो जीवन है वो बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, है ना, तो इसलिए इनको कॉनिडिया के द्वारा जनन भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन डन बाय कॉनिडिया। राइट, चलो आगे बात करें, तो देखिए लैंगिक जनन जो है इनमें विशेष प्रकार का बीजाणु बनता है, उसको एस्को या एस्कस बीजाणु या एस्को स्पोर, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनको एस्कस स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कस स्पोर कहते हैं।
ठीक है, जो जिस स्ट्रक्चर में इसका निर्माण होता है उस स्ट्रक्चर को, है ना, जिस थैले में, जिस पाउच में इनका निर्माण होता है उस पाउच को क्या कहते हैं, उस पाउच को कहते हैं फ्रेंड्स एस्कस। तो रिपीट कर रहा हूं, तो एस्कस नामक जो पाउच, जो थैला है, उस थैले के अंदर जो बीजाणु यानी कि स्पोर जो बनते हैं उनको एस्कस स्पोर या एस्कस बीजाणु कहते हैं। और यही बीजाणु आगे आगे जाकर के नए जीव का यानी कि नए नए कवक का निर्माण करता है। क्लियर, चलो आगे बात करें। तो देखिए एस्कस जो है, एस्कस जो है ये असूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा आपके कम से कम कितने भी चार या मैक्सिमम और आगे आठ जो एस्कस स्पोर है उनका फॉर्मेशन करते हैं, उनका निर्माण करता है। और ये होते कैसे हैं, अंतरजातीय रूप से डेवलप होते हैं, अंतरजातीय रूप से ये डेवलप होते हैं। अब और बात करें, देखिए होता क्या है कि ये अपने चारों ओर प्रोटेक्ट कर लेते हैं ना, चारों ओर से लेयर का निर्माण कर लेते हैं ना, ये आपके कवक तंतु के रूप में वृद्धि करके पूरा कवर कर लेते हैं और फिर इसको कहते हैं आपके फलन काय। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फलन काय। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि एस्को कार्प, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फ्रेंड्स फलन काय या एस्को कार्प। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्या है कि जो भी कवक जाल जो है वो इनके चार, मान लीजिए ये कवक कास्कस बीजाणु है, उसको चारों ओर से इस तरीके से क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, कवर्ड कर लेते हैं, है ना। तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको एस्को कार्प या फलन काय कहते हैं, जिसमें एक से चार एस्कस बीजाणु या तंतु, है ना, थैलेमस जो कवक होते हैं तंतु, वो इनके अंदर एक से चार जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर, चलो इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवक, कवक मुख्य रूप से बीमारी का तो घर है ही, कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं जो भी हमने देखा था बाजरे में, आलू में, है ना। बट कुछ फायदे के भी हैं ये, जैसे यीस्ट हो गया, उसके अलावा बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि मोरिल और बफल, बहुत इंपॉर्टेंट है मोरिल एंड बफल जो है वो एडिएबल यानी कि भोजन के रूप में इनको खाया जाता है। एडिएबल अगर फंगाई की बात करें, खाद्य भोजन के रूप में भी कवकों को खाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स मोरिल एंड बफल। क्या कहते हैं, मोरिल एंड बफल। ये ऐसी जो कवक है जिनको खाने के रूप में भी यूज किया जाता है, राइट। चलो तो फ्रेंड्स अब हम आगे बात कर रहे हैं, अब हम आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट कौन सा है, बेसिडियोमाइसिटीज। और इससे इससे तो फ्रेंड्स आप बहुत वाकिफ है, इनसे फ्रेंड्स आप बहुत वाकिफ है। कैसे, देखिए फ्रेंड्स इसको, ये जो कवक जो है इनको कई लोग खाते भी हैं, जिनको अपन कहते हैं कुंभी या मशरूम, है ना। तो जो कुंभी और मशरूम जो है फ्रेंड्स और कोई नहीं है, ये आपकी है कवक यानी कि फंगाई। ये वो फंगाई है जो अमूमन जो भी लोग जो खाते हैं इनको, वो बड़े प्यार से इनको बड़े शौक से खाते हैं भी, है ना। इनकी बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, सब्जी के रूप में इनको कई जगह पर इनको खाया जाता है, इनको अपन सिंपल भाषा में ना, लोकल भाषा में मशरूम या कुंभी कहते हैं, है ना। अब इसके विषय में देखिए रोचक चीज बताता हूं, एक रोचक बात बताता हूं कि जब बरसात का जब सीजन जब चला जाता है ना, बरसात के बाद में जो भी रेतीला जो भाग है, मान लीजिए रेगिस्तान, वहां पर तेज अगर धूप पड़े, रिपीट कर रहा हूं, ये मान लीजिए रेत के धोरे है ना, रेगिस्तान है, बरसात हो रखी है, उसके बाद में अचानक से तेज धूप पड़े, तो तेज धूप जो है ना, जो हाई टेम्परेचर और पानी के बीच में जो गर्मी जो पैदा होती है, जो एक उमस जो पैदा होती है, उस समय इनकी जो खेती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, या यूं कहूं कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये उग जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात करें कि ये जो दिखने में, अगर आप गौर करें, छतरी जो नहीं होती है, अम्ब्रेला छाता इसको कह सकते हो, छतरी या छाता, उस तरीके की आकृति के रूप में ये डेवलप होते हैं। और इनका ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये इनका फलन होता है ना, इनकी बॉडी का पूरा पार्ट इस तरीके से पाया जाता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, इनको अपन क्लब फंगाई भी कहते हैं, या छत्रक, छत्तेदार, है ना, छाता, कुछ भी आप जो आपके दिमाग में याद रहे वो अपन कहते हैं। और फिर भी सिंपल भाषा में बात करें फ्रेंड्स, तो इनको आपके मशरूम या कुंभी कहा जाता है, मशरूम या कुंभी कहा जाता है। चलो फ्रेंड्स आगे बात करें कि इनके अंदर और आगे बात करें कि इनमें
मुगदर, यानी मुगदर का मतलब होता है फुला हुआ, है ना, स्वेलिंग किया हुआ, छाता कह सकते हो, है ना, अम्ब्रेला कह सकते हो, उस तरीके से ये पाए जाते हैं। जो जो पेड़ों के ऊपर, कई बार लकड़ी के जो डंठल होते हैं उनके ऊपर भी ये उग जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अगर कई बार गौर किया हो तो कई बार बीच बीच में जैसे भ्रांतियां भी होती है ना, भ्रांतियां चलती है कि पेड़ के ऊपर दीपक निकल गए, सुना हुआ है, आई थिंक सुना हुआ होगा ना। अगर आपने ये सुना हुआ है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं भी तो देखूं मेरे कितने फ्रेंड्स ने इस चीजों को सुना हुआ है। रिपीट कर रहा हूं कि कई बार ये आता है ना मैसेज कि फलाने फलाने पेड़ों के ऊपर ना दीपक निकल गए, प्राकृतिक रूप से क्या निकल गए, दीपक या विशेष संरचना बन जाती है। तो फ्रेंड्स वो दीपक और कोई नहीं होते, ये आपकी कवक ही होती है। कौन होती है, कवक, हाँ एकदम कवक होती है, जो कि जैसे मान लीजिए ये पौधा है, है ना, ये मान लीजिए पौधा है और पौधे के ऊपर ऐसे कटोरी के रूप में, जैसे पौधा है उसके ऊपर कटोरी के रूप में दीपक की तरह ये लोग उग जाते हैं, है ना, और इसी को अपन क्या कहते हैं, आपके कवक है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है ना, तो ये इनकी जो सामान्य जो है, इनमें आप मशरूम भी कहते हैं, ब्रैक फंजाई या पफ बॉल भी बोलते हैं, या रस्ट और कण, इसको स्मट और किट कहते हैं, आदि जो है वो इनमें आते हैं। क्लियर, चलो और बात करें तो फ्रेंड्स, इनका जो कवक जाल है वो पटयुक्त या साखित होता है, पटयुक्त व साखित होता है, यानी कि सेप्टेट एंड ब्रांच होता है। अब देखिए, अब इनका जो कवक तंतु है उनमें जो सेप्टम है, सेप्टम कैसा होता है, डोली फोर प्रकार का जो सेप्टम है वो पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि छिद्र वाले पट, कि पट तो होते हैं, है ना, देखिए फ्रेंड्स पट तो होते हैं, है ना, इस तरीके से पट तो पाए जाते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, लिटिल बिट क्या होते हैं, पोर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छिद्र या पोर पाए जाते हैं। क्लियर, चलो आगे बात करें फ्रेंड्स, तो इनमें सामान्यतः अलैंगिक बीजाणु जो है वो नहीं बनते, अलैंगिक यानी कि आपके असक्सेसफुल जो रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स हैं वो इनमें फॉर्मेशन नहीं करते, बट इनमें ध्यान रखना, इनमें आपके जो काईजनन की जो है ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स, काईक है ना, काईजनन की जो है वो केवल जो विखंडन जो विधि है, खंडन, वो विधि सामान्य रूप से इनमें पाई जाती है। और लैंगिक जनन की बात करें फ्रेंड्स, तो इनमें विशेष रूप से लैंगिक अंग तो नहीं होते, है ना, बट जो प्लाज्मोगैमी है, प्लाज्मोगैमी के द्वारा इनमें आपके जो दो काई कोशिका है ना, दो काई कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल, काई कोशिका यानी कि क्या होता है, सोमेटिक सेल जो है उनका फ्यूजन यानी कि संलयन होता है। कैसे होता है, देखिए जैसे ये मान लीजिए ये कोशिका है और दूसरी कोशिका है, है ना, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होकर के एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती है, राइट। चलो तो फ्रेंड्स इनमें बात करें कि लैंगिक जनन जो है वो विशिष्ट होता है, बट इनमें कोई विशेष लैंगिक जो स्ट्रक्चर्स है वो नहीं बनती, इनमें प्लाज्मोगेमी के द्वारा दो जो काई कोशिका है उनका फ्यूजन हो जाता है। और आगे बात करें, देखिए प्लाज्मोगेमी से जो निर्मित कोशिका जो है ना, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फ्रेंड्स बेसिडियम, क्या कहलाती है, बेसिडियम, और ये इसका इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए तो इसको फ्रेंड्स बेसिडियो जो ग्रुप है उसके अंदर इसको रखा गया है। क्लियर, चलो और आगे बात करें, इनके अंदर कैरियोगैमी किसे कहते हैं, कैरियोगैमी है फ्रेंड्स, है ना, थोड़ा सही कर लेना, कैरियोगैमी होने से एक बार के लिए क्या बन जाती है, डिप्लॉइड सेल बन जाती है, क्या बन जाती है, डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित कोशिका बन जाती है, और इससे वापस जब अर्धस्त्री विभाजन होता है तो वापस से क्या बन जाते हैं, बेसिडियम स्पोर जो बीजाणु है वो बन जाते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, आपकी चार, क्या होती है फ्रेंड्स, चार होती है। चलो आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये लैंगिक जनन के दौरान जो भी काई कोशिकाएं हैं ये आपस में कॉम्प्लेक्स जो है ना, कनेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, देन क्या है कि ये नए जो कवक तंतु है उसका निर्माण हो जाता है, नया जो माइसीलियम है उसका निर्माण हो जाता है। और हमने बात की भी है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है जिसमें इनका फॉर्मेशन होता है
उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फ्रेंड्स आपके फलन काय, क्या कहते हैं फलन काय, और फलन काय को ही कहते हैं बेसिडियो कार, इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स बेसिडियो कार। तो फ्रेंड्स आज का अपना जो न्यू जो अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर बात करें, उस क्वेश्चन पर बात करें कि क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि बेसिडियो जो बीजाणु है कवक जो है ना, बेसिडियो जो कवक है, कवकों को सामान्य सामान्य भाषा या सामान्य शब्दों में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको सिंपल नेम में बताना भी ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर बात करें, फिर बात करें, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं इन सिंपल लैंग्वेज है ना, सिंपल लैंग्वेज में इनको और क्या कहा जाता है, इनको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है। और आगे बात करें इनके, देखिए उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें फ्रेंड्स तो एगेरिकस बहुत इंपॉर्टेंट है, मशरूम फ्रेंड्स इनके उदाहरण की बात करें तो मशरूम यानी कि एगेरिकस, इसी को ही सब्जी के रूप में है ना, सब्जी के रूप में इनकी खेती की जाती है, इनको उगाया जाता है ना और लोग इनको खाते हैं। और बात करें इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, और क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया को, जो गेहूं में जो टीला स्मिट जो रोग है ना, वो बीमारी जो है वो इनके द्वारा फैलाई जाती है। और उदाहरण की बात करें पक्षीनिया, और उदाहरण की बात करें फ्रेंड्स तो पक्षीनिया, तो जो पक्षीनिया जो है उसके द्वारा रस्ट या किट नामक जो बीमारी है वो उत्पन्न की जाती है, और इसीलिए इनको रस्ट या किट फंगाई भी कहते हैं। और बात करें, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, डॉक्टर केसी मेहता बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं अपने जमाने के, बहुत फेमस हैं केसी मेहता, इन्होंने पक्षीनिया के ऊपर क्या किया था भाई, इनके अलग अलग जो रोग वगैरह हैं वो कैसे फैलते हैं वो इन्होंने अच्छे से बताया था, राइट। चलो तो फ्रेंड्स देखिए यहां तक हमने बात की है आपके जो भी मशरूम है, मशरूम की जो ग्रुप है कवकों का उसके ऊपर हमने एकदम अच्छे से चर्चा की है। अब आपका जो लास्ट जो है वो है आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज, नेक्स्ट कौन सा होता है फ्रेंड्स ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो देखिए फ्रेंड्स ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ध्यान रखना इनके अंदर, इसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इनके अंदर अलैंगिक और कायिक जो प्रावस्था है वो ज्ञात है, यानी कि लैंगिक जनन में नहीं होता, क्लियरली लैंगिक जनन की बात करें वो इनमें नहीं होता, जो कि कवकों का लक्षण है कि कवकों के अंदर तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं भी, कायिक अलैंगिक और लैंगिक, बट इनके अंदर अगर बात करें तो अलैंगिक और कायिक जो जनन है प्रावस्था जो है वो ज्ञात हो पाई है, तो लैंगिक जनन जो है वो इनके अब्सेंट नहीं होता, और इसी वजह से इनको कंप्लीट फंगाई नहीं कहते, इनको अपूर्ण कवक भी कहा जाता है, ठीक है। चलो और आगे बात करें तो इनमें देखिए इनमें क्या है कि वही जो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो है वो आपकी कॉनिडिया बीजाणु जो है उसके द्वारा इसमें कंप्लीट होता है, और इनके जो कवक जाल है वो पटयुक्त होते हैं और साकित होते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स ये क्या करते हैं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है ना को हटा करके जो साइकिल जो है ना चक्र खाद्य चक्र उनमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इनको अपघटक भी कहते हैं। ध्यान रखना इनको बायो कंपोजर या सफाई कर्मी भी कहते हैं, है ना, ये क्या है कि जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको सरल अणु में तोड़ करके और वापस से इनको मुक्त करने का काम वातावरण में करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं खनिजों के चक्रण में ये बहुत अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं, क्लियर। चलो उसके अलावा बात करें तो ये जो है वो आपके मत्स्यजीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी होते हैं, उदाहरण की बात करें अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकोटम और ट्राइकोडर्मा, तो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। इनकी पिक की बात करें तो देखिए ये इस तरीके से ये अपनी जो जातियां हैं यानी अपनी स्पीसीज है लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो देखिए हमने बात की ना कि इनके अंदर सेप्टम भी होते हैं
और ये आगे शाके क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये आगे शाके ब्रांच भी होते हैं। तो अल्टरनेरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ट्राइकोडर्मा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लगभग लगभग सेम है बट फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां यहां तक अभी यहां तक हमने जो कवक है उस कवक के ऊपर हमने एकदम अच्छे से चर्चा की है कि कवक कितने प्रकार से होते हैं। अभी लास्ट हमने अभी बात की है ड्यूटेरोमाइसिटीज, फिर हमने देखा है कि इनके अंदर ये बेसिडियोमाइसिटीज, ये देखिए फ्रेंड्स यहां से हमने स्टार्ट किया था कि कवकों का वर्गीकरण कवकों को उनके कवक तंतु के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो एक विवाद का विषय रहा है क्या कि इनके अंदर जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, लिंग जनन जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, है ना, यानी कि क्लियर टाइप का इसमें ज्ञात जो है वो नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है आपके अपूर्ण, यानी कि इनकम्प्लीट फंगाई जो है वो इनको कहते हैं। कीजिए फ्रेंड्स फिर इसी क्रम में हमने जैसे बात की स्टार्टिंग से फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जो है सली गड़ी जो पत्तियां वगैरह है उनके ऊपर आराम से ये उग जाती है ना। और फिर हमने देखा कि इनके अंदर उदाहरण की बात करें तो म्यूकर, राइजोफस यानी कि रोटी का कवक जो रोटी को सड़ा देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को थैला कवक या सेक फंगाई भी कहते हैं। इनके इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो मोरिल और बफल जो है वो खाद्य यानी कि भोजन के रूप में यूज किया जाता है। फिर हमने देखा बेसिडियोमाइसिटीज, ये जो मशरूम है ना कुंभी के रूप में भी इनको काफी यूज किया जाता है, खाया जाता है, ठीक है। देन हमने देखा ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं, अपूर्ण कवक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस दौरान जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं उनको आप अपने रियल नेम के साथ में जरूर लिखोगे, क्लियर। चलो वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।